नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शरद बाघेला। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 4,546 करोड़ 61,521 रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकार पहले किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,850 रुपए में धान की खरीदी करेंगे। इसके बाद न्याय योजना के तहत किसानों के खातों में 685 रुपए डाले जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धान खरीदी में 2,500 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदी किए जाने के मामले में विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच घोषणा करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल समिति बजट से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। बजट सत्र में न्याय योजना लागू होगी जिसमें बचत की राशि किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। बजट सत्र में इसके लिए विशेष रूप से प्रावधान किए जाएंगे और बचत की राशि किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। जो मुख्य बजट है वो 95,899 करोड़ 45 लाख का था। प्रथम अनुपूरक 4,341 करोड़ 52 लाख रुपए का था। द्वितीय अनुपूरक कुल 5,001 करोड़ 6 लाख का था। तो जो प्रथम द्वितीय अनुपूरक सहित बजट का जो आकार है अब 1,04,787 करोड़ का हुआ।